5 साल बाद महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिरडी साई मंदिर में की पूजा अर्चना। गोवा में 37वें राष्ट्रमंडल खेलों का किया उद्घाटन। कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 2 आतंकी ढेर। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार। एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। शुक्रवार को सुनाई जाएगी सजा। अमेरिका के लेविस्टन शहर में अंधाधुंध फायरिंग में 22 लोगों की मौत। 50 से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। 5 सालों के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मशहूर शिरडी साई मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में उनके साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के अलावा सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। उन्होंने मंदिर में बने कतार परिसर का उद्घाटन किया। बता दें इसकी आधारशिला भी पीएम मोदी ने साल 2018 में रखी थी। लंबे समय के अंतराल के बाद महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किसानों के लिए भी विशेष पहल की है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत करी। इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे महाराष्ट्र के 86 लाख से अधिक किसानों को हर साल 6,000 रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान कार्ड का वितरण भी पीएम मोदी ने लाभार्थियों के बीच किया। साथ ही पीएम मोदी ने गोवा में 37 राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन भी किया। पहले किसानों की सूद कोई नहीं लेता था। हमने पीएम किसान सम्मान निधि इन मेरे शेतकरी भाई बहनों के लिए शुरू की। इसकी मदद से देश भर के करोड़ों छोटे किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यहां महाराष्ट्र के छोटे किसानों के बैंक खातों में भी सीधे 26,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिलेंगे। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर माछिल सेक्टर में सेनाओं और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। घटना आज सुबह की है, जब पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा से घुसपैठ के प्रयास की कोशिश की गई। हमारे सतर्क और जाबाज जवानों ने जब वहां कुछ हलचल देखी तो उन्होंने घुसपैठियों को रोकने की कोशिश की। आतंकियों ने हमारे जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी और इसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे जाबाज जवानों ने घुसपैठ कोशिश में लगे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। यह घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान के नीलम क्षेत्र से की गई थी, जबकि हमारे यहां से सरदारी नार क्षेत्र में हमारे जवानों ने उनसे लोहा लिया। अभी हम लोग एक मीटिंग डिब में हुई है और कुफावड एरियाज को विजिट भी करके आए हैं एलसी के करीब। ये जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, ये पुलिस और आर्मी के उनके जॉइंट एफर्ट से ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इसका ऑपरेशन का अभी कंक्लूजन बाकी है। अभी तक सुनने में आ रहा है कि कुछ एक मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। क्या तादाद है, कितनी है, अभी कहना मुश्किल है। अभी एक बार ऑपरेशन कंक्लूड होता है तो शाम तक आप लोगों को बकाया डिटेल मिल जाएगी। देखिए, ये एरिया जो इस सरहदी पट्टी के अपोजिट है, ये बड़े लंबे अरसे से बदनाम है। यहाँ पर लंबी चौड़ी तादाद है ट्रेनिंग और कैंप्स की और लॉन्चिंग पैड्स की। कम से कम 16 लॉन्चिंग पैड इस एरिया के अपोजिट, इस डिवीजन के अपोजिट लोकेटेड हैं पीओके के अंदर। तो उनके यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह की चलती रहती है।
मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। करंडा में शिक्षक की हत्या से जुड़े मामले में गुरुवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। कोर्ट कल यानी शुक्रवार को सजा सुनाएगी। दोनों तरफ से बहस पूरी होने के बाद पिछली सुनवाई में एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें करंडा के सबुआ निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी। मुख्तार उस समय गाजीपुर जेल से अपना गैंग चला रहा था। इसी साल मोहम्मदाबाद के मीर हसन ने मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। उनकी भी हत्या का प्रयास किया गया था। दोनों मामलों को मिलाकर साल 2010 में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कपिल देव सिंह हत्या के मूल मुकदमे में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी सिद्ध होने के बाद अब मुख्तार को इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा जो है निर्णय के लिए 8 तारीख नियत हुई तो अभी जो है 4:15 पर माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा जो है निर्णय सुनाया गया है जिसमें कि अभिमुख्तार अंसारी को और अभिमुख सोनू यादव को सजा का जो है प्रदान किया गया है और सजा के प्रश्न पर दिनांक 27/10 को तारीख नियत की गई है। सजा पर बचाव पक्ष को सजा के प्रश्न को सुना जाएगा। इसके पश्चात जो है 27/10 सजा निर्धारित। अमेरिका के लेवस्टन शहर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां एक शख्स ने देखते ही देखते अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस खौफनाक घटना में 22 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 से 60 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस वारदात में मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात एक सक्रिय शूटर ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। कम से कम 3 जगह पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस कत्लेआम से लोग बुरी तरह हैरान है और परेशान है। अपनी सुरक्षा को लेकर लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि आरोपी की गोलीबारी करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ शख्स हाथ में राइफल लिए हुए नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने AR-15 राइफल से लोगों पर गोलियां बरसाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक AR-15 लाइट वेट राइफल है जो 1 मिनट में 45 से 100 बुलेट बरसा सकती है। गोलीबारी करने वाले आरोपी की पहचान रॉबर्ट कार्ड के रूप में की गई है जो अमेरिकी सेना रिजर्व में एक फायर आर्म्स प्रशिक्षक था। जगदलपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने जिला कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान की कर्ज माफी, बिजली बिल करना और बेरोजगार भत्ता जैसे कई उदाहरण गिनाए और साथ ही पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण नहीं हुए है और एक भी धर्मांतरण का केस भाजपा साबित नहीं कर पाई है। और ये जो विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में रणभेरी जिसकी बच चुकी है उसकी गहरी जानकारी भी आप लोगों को होती है चूंकि मीडिया के पर्सन सारे के नाते। छत्तीसगढ़ एक हिंदुस्तान का यूनिक प्रदेश है और इस प्रदेश को यूनिक बनाने के लिए, आदर्श प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश की सरकार और प्रदेश छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री। कतर में नौसेना के 8 पूर्व जवानों को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि हम परिवार और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है ये सभी वहां की अल देहरा कंपनी में काम करते थे। गुरुवार को कतर की अदालत ने इन्हें सजा सुनाई। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पीड़ित भारतीयों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही कतर के अधिकारियों के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। कतर की कोर्ट ने जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाई है ये पिछले 1 साल से कैद में है। भारत की ओर से कई बार इन पर दया दिखाने और छोड़ने की अपील की गई लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। खास बात यह है कि इन पूर्व जवानों पर आरोप क्या है ये स्पष्ट नहीं किया गया है। कतर सरकार का दावा है कि ये भारतीय इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे।
आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।